देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण बनाने के लिए हमने इस पट्टी को बना लिया है और इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आप इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख के इसको बना सकते हो। इसको बनाने के बाद हम नीचे की झालर बनाएंगे। और देखिए, झालर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम इसमें से अटैच करते हुए इसको बनाते जाएंगे, बाद में हम जॉइंट नहीं करेंगे, हम साथ में ही बनाएंगे इसको। देखिए, इस तरीके से इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हमारा ये बीच का है, तो देखिए यहाँ से हमें इसको शुरू करना है। हमें इस तरीके से क्रोशिया हुक को यहाँ पे डालना है और हम पिंक कलर का ही धागा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे। और देखिए, वन धागे को इसके अंदर ऐसे लेंगे, टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बनाएंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ऐसे फाइव चैन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें करना क्या है, ऐसे हमें पफ बनाना है। पफ हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए वन, फिर हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, टू, फिर हम इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे, थ्री, देखिए इस तरीके से थ्री टाइम्स धागा लेंगे हम। और देखिए इस तरीके से हमें इसको निकालना है ऐसे। देखिए, फिर हमें यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे फाइव चैन लेंगे। और देखिए यहाँ से इस चैन के सेंटर में से देखिए इस तरीके से वन, फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, टू, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, थ्री, इस तरीके से फिर हम इसमें पफ बना लेंगे ऐसे। अब देखिए, फिर हमें यहाँ पे एक चैन बना लेनी है इस तरीके से ऐसे। टू चैन बनाने के बाद देखिए, अब हमें यहाँ पे ब्लू कलर लगाना है। ऐसे हम ब्लू कलर को जॉइंट करेंगे। देखिए, मैंने ऐसे नोट लगा ली है इस तरीके से। और देखिए, हमने धागे को यहाँ से जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे। और देखिए, इसमें से देखिए इस तरीके से वन टू थ्री, और देखिए फोर, फोर टाइम्स धागा लेंगे। और देखिए इस तरीके से निकालेंगे। फिर हमें यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनानी है। फोर चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ से इस चैन पे से इस तरीके से वन टू थ्री फोर, फिर से हम फोर चैन लेंगे। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे। और देखिए यहाँ से हमें एक सिंगल क्रोशिया से इसको से जॉइंट कर लेना है। फिर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे और फोर टाइम्स धागा लेंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से ऐसे हमें पफ बना लेना है। फिर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे, फिर इसी में से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे और फोर टाइम्स धागा लेंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे, फिर से हमें इसमें से सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, फिर देखिए, फिर हमें यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाना है। और देखिए, जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं से ही हमें इसको इस तरीके से ऐसे जॉइंट कर लेना है। धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे क्योंकि हमें इसको इतना ही बनाना है।
और देखिए इस वाले को भी इधर से भी हमें कट कर देना है। देखिए ये हमारा यहाँ पे बीच का आ जाएगा। दोनों धागे की हम यहाँ पे नोट लगा देंगे ऐसे, और इसके अंदर ही हमें इसको एडजस्ट करना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें एक इधर से बनाना है, उसमें हमें टू फ्लावर बनाना है, फिर हम इधर से बनाएंगे, फिर इधर से ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए अब हमें फिर से इसमें से यहाँ से लेना है, जो हमारे पिंक कलर के हैं वहाँ से लेना है हमें इसको इस तरीके से। देखिए वन धागे को इसी के अंदर लेंगे हम, टू थ्री फोर फाइव, ऐसे फाइव टाइम्स धागा लेंगे और देखिए ऐसे पफ बनाएंगे। वन फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे, टू फिर ऐसे घुमाएंगे, थ्री इस तरीके से, फिर हम इसको ऐसे वन टू थ्री फोर, फिर देखिए यहाँ से लेंगे जो हमारी चैन है वन, फिर हम इधर से घुमाएंगे इसको टू, फिर देखिए इधर से घुमाएंगे थ्री ऐसे, एक चैन और बना लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हमें ब्लू कलर को जॉइंट करना है इस तरीके से, फिर हमें यहाँ पे इस चैन में से देखिए यहाँ से जो हमारे फर्स्ट चैन है इसमें से जॉइंट करेंगे हम इसको ऐसे, फिर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे और फोर टाइम्स धागा लेंगे, जैसे हमने इस फ्लावर को बनाया था ऐसे ही बनाएंगे। वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे, देखिए फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे फर्स्ट चैन में से, देखिए ऐसे वन टू थ्री फोर, ऐसे फोर टाइम्स लेंगे और स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, फिर वन टू थ्री फोर ऐसे, फिर इसमें से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फिर देखिए वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे, फिर फोर चैन बनाएंगे वन टू थ्री फोर, फिर देखिए इस चैन में से लेंगे, फिर वन टू थ्री फोर ऐसे फोर चैन बनाएंगे, फिर देखिए ऐसे वन टू थ्री फोर ऐसे इस तरीके से, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बना के जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं से हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, धागे को हमें यहाँ से कट कर देना है। नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए हम नेक्स्ट जब फिर से जॉइंट करेंगे इसको। अब देखिए इसको हमें इसके अंदर ही यहाँ पे क्रोशिया हुक की हेल्प से अंदर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने इसको बना लिया है। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हम इसको देखिए ऐसे उल्टी तरफ से बनाएंगे, उल्टी तरफ से करेंगे और देखिए यहाँ से हमें इसको जॉइंट करना है इस तरीके से ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे, फिर हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे फाइव चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से ऐसे वन टू
सॉरी, देखिए इसे घुमाना है एक बार, फिर इधर से वन, फिर देखिए इधर से ऐसे थ्री, इस तरीके से, फिर देखिए, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बनाएंगे। फिर से हमें इसमें से फर्स्ट वाले में से वन, फिर देखिए इस तरीके से घुमाएंगे इसको, टू, फिर घुमा लेंगे ऐसे थ्री, थ्री टाइम्स ऐसे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से भी हमें एक फ्लावर बनाना है। देखिए जैसे फ्लावर हमने यहाँ पे बनाया है, एक फ्लावर हम यहाँ पे बना लेंगे। फिर हमें यहाँ से बनाना है इसको, ऐसे ही हम लंबी पट्टी करते जाएंगे सभी में। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को इसमें बना लिया है इस तरीके से, और देखिए काफ़ी सुंदर लगता है ये बनके। अब देखिए, हमने आपको यहीं से फंदे उठा के बनाना बताया था फ्रेंड्स। अगर आपको यहीं से फंदे उठाने में दिक्कत आती है तो आप अलग से इन झालर को बना सकते हो, एक एक को अलग अलग बना के सुई धागे की हेल्प से इसमें स्टिच कर सकते हो। स्टिच कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने इसको अलग से बनाया है, इसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। देखिए सुई धागे से स्टिच करने के लिए देखिए हमें इसको इस तरीके से उल्टा करना पड़ेगा, और देखिए इसको भी हमें यहाँ पे उल्टा रखना है ऐसे। और देखिए सुई धागे की हेल्प से हम इसमें इस तरीके से इसको टांग लेंगे अच्छे से। आपको फंदे उठा के भी मैंने बता दिया है, और अलग अलग से बनाना है तो अलग अलग से बना के सुई धागे की हेल्प से आप इसको जॉइंट कर सकते हो। दोनों तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है ये तोरण। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर देंगे धागे को इस तरीके से, और देखिए ये इस तरीके से आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है, सिर्फ फ्लावर ही बनाना है, बेल को नहीं बनाएंगे हम, फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसके सेंटर में, और देखिए फ्रेंड्स हमने इसको किस किस तरीके से लगाया है सभी झालर को। देखिए यहाँ पे हमने स्किप नहीं किया है इनको, इन थ्री में और इधर से भी इस तरीके से। और देखिए यहाँ से हमने वन वन को स्किप किया है बाद में, लास्ट में इस तरीके से हमने इसको बनाया है ऐसे। देखिए इधर से इन दोनों में कोई स्किप नहीं है, और इधर से इन दोनों में कोई स्किप नहीं है, इस तरीके से हमने इनको जॉइंट किया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे एक, यहीं से फंदे उठा के बनाना है हमें। आप चाहे तो अलग से फ्लावर बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप अलग से भी फ्लावर बना के यहाँ पे सुई धागे से स्टिच कर सकते हो, फंदे उठा के भी। मैं अलग से बनाना भी बताऊँगी, फंदे उठा के मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए हमें फ्लावर कैसे बनाना है, यहाँ से हम इसको उठाएंगे फंदे को बीच में से, और देखिए इस तरीके से ऐसे नोट लगा लेंगे। फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे, और देखिए इसी चैन में से ऐसे वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स धागा लेंगे, जैसा कि हमने सभी फ्लावर को इस तरीके से ही बनाया है। ऐसे ही हम इस फ्लावर को बनाएंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे। फोर चैन बनाने के बाद देखिए इस तरीके से वन टू थ्री, और देखिए फोर इस तरीके से, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे। फोर चैन बनाने के बाद देखिए हमें इसी चैन में से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है। फिर वन टू थ्री फोर, फिर देखिए ऐसे वन टू थ्री फोर ऐसे, फिर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे। फिर हमें इसको इसी में से एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाएंगे।
फिर से हमें एक लीफ और बनानी है, वन टू थ्री फोर इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, वन टू थ्री फोर चैन बनाएंगे और देखिए एक सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर वन टू थ्री फोर चैन बनाएंगे और देखिए जहाँ से शुरू किया था वहीं से हमें इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। एक चैन बनाएंगे, उसको यहाँ से कट कर लेंगे धागे को इस तरीके से। देखिए हमारा ये फ्लावर बन जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको हमें यहाँ से अंदर की तरफ धागे को इस तरीके से ऐसे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक एक पल लगाया है, एक मोती लगाया है सुई धागे की हेल्प से। इस फ्लावर के सेंटर में भी हम सुई धागे की हेल्प से मोती को लगा देंगे इस तरीके। देखिए हम इस तरह के मोती को फ्लावर के सेंटर में स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिए देखिए इस तरीके से हमने सभी मोती को स्टिच किया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको झालर को अलग अलग लगाना है सुई धागे की हेल्प से, यहाँ से उठा के नहीं लगाना है फंदों में से, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमें कैसे शुरू करना है इसको इस तरीके से। वन टू थ्री धागे को यहाँ पे खींच लेंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन, हमें पहले सेवन चैन लेनी है। और देखिए यहाँ पे सेकंड चैन में से इस तरीके से, देखिए ऐसे, फिर इसको इधर से टर्न कर लेंगे, फिर इधर से पप स्टिच बनाएंगे ऐसे फोल्ड करते हुए टू, फिर वापस आ जाएंगे। देखिए इधर से देखिए थ्री इस तरीके से, फिर हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेना है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फर्स्ट में हमें सेवन चैन लेनी है, फिर हम देखिए यहाँ पे फाइव चैन लेंगे, फिर हमें फाइव फाइव ही लेनी है ऐसे। वन फिर वापस घुमाएंगे, फिर टू, फिर देखिए इधर से घुमाएंगे इसको और देखिए थ्री इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे जैसा मैंने आपको बनाना बताया है, ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और सुई धागे की हेल्प से इसको हम जॉइंट कर लेंगे। आप चाहे इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो।